नमस्कार, इजी कुकिंग रेसिपी में आपका स्वागत है। और आज मैं बनाऊंगी मटर की कचौड़ी। चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। आज हम बनाने वाले मटर की कचौड़ी, तो 2 कप हमने मैदा ले लिया है, 1 छोटी चम्मच अजवाइन लिया है, जिसको इस तरह से क्रश करके डाल देंगे, 1/2 चम्मच नमक और 2 से 3 चम्मच ऑयल डाल देंगे, रिफाइंड ऑयल है, भी इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बढ़िया मिला दिया, ये देखिए इस तरह से हल्का हल्का सा बन रहा है, तो यानी कि हमारा मोयन हो गया है मैदे में। अभी इसको हल्का सा गुनगुना पानी रहेगा, उसी से डो तैयार करते हैं। थोड़ा थोड़ा डाल के तैयार करेंगे, क्योंकि ये थोड़ा सा सख्त ही आटा तैयार करते हैं। भटूरा के लिए या कचौरी के लिए या समोसे के लिए आटे को इसी तरह से चिकना करना चाहिए। कभी भी उसको ऐसे गूद गूद के चिकना करने से क्या है कि आटा का मोयन जो है ख़त्म हो जाता है। 2-3 मिनट मैंने पूरा घुमा घुमा के ऐसे चिकना कर लिया है मैंने। अभी इसको इस तरह से ढकेंगे और 1/2 घंटा पूरा इसको रेस्ट देंगे। तब तक हम चलते हैं मटर छौंकने। मटर छौंकने लिए ये मैंने 1/4 चम्मच तेल को गरम कर लिया है, पिंच हींग है, 1 हरी मिर्च, 1 मीडियम साइज का प्याज मैंने ले लिया है। इनको लो फ्लेम पे थोड़ा सा भून लेंगे। प्याज हमारा हल्का सा भून गया है, बढ़िया। अभी इसमें 1 कटोरी मटर ऐड कर दिए मैंने, अच्छी तरह से मिला लेंगे। चुटकी भर हल्दी और थोड़ा सा मसाला, एकदम थोड़ा सा। लो फ्लेम पे इसको पकाएंगे तो क्या है, ये जलेगा भी नहीं और बढ़िया से पक जाएगा। इसमें पानी नहीं डालना है, तो कुक बढ़िया से करना है। इसको ढक के पका लेंगे। ये बढ़िया गल गया है मटर, तो 4-5 मिनट में बढ़िया गल जाता है। अभी इसको इस तरह से हल्का हल्का मैश करें। आप चाहे तो बढ़िया मैश हो गया है, अब आप गिलास से आसानी से कर सकते हैं मैश। थोड़ी देर में जब ठंडा होगा तो इसका सारा गीलापन खत्म हो जाएगा। मटर हमारा जब ठंडा हो गया है तो इसमें मैंने इसको निकाल के एक बाउल में रख लिया है, और आटा भी हमारा सेट हो गया है। आटे को इस तरह से करके और पूड़ी से थोड़ी सी बड़ी लोइया लेते हैं, क्योंकि ये थोड़ा मोटा बनता है तो ही क्रिस्पी होता है। तो इतना बड़ा बड़ा हम लोइया कट के रख लेंगे। इतना बड़ा साइज का लोइया काट लिया मैंने। अब लोइया को क्या करेंगे, इस तरह से पेड़ा बना लेंगे। पेड़ा बना के एक जगह रख लेंगे। सारे लोइए हमने इस तरह से बना लिए हैं। अभी इनको एक लोइया मैंने इस तरह से ले लिया और बीच में हल्का हल्का दबा के इस तरह से छोटा सा होल करेंगे। अभी क्या करेंगे, इसमें से इस तरह से चम्मच से उठाएंगे और ये 1/2 चम्मच स्टफिंग इसमें डाल देंगे, और डाल के इनको अच्छे से चारों तरफ से दबा दबा के कवर करेंगे। से घुमा घुमा के इनको बढ़िया से कवर करेंगे। अब इस तरह से दबा देंगे ताकि ये खुले नहीं। इसी तरह से सारे जो लोइया बनाए हैं मैंने मटर भर के,
तैयार कर लेते हैं। सारे लोइयों में स्टफिंग भर के मैंने तैयार कर लिया है और इसको एक किनारे रखेंगे, एक लोई इसमें से निकाल लेंगे, बाकी को ढक के रखेंगे। इस पर आप चाहें तो थोड़ा सा ऑयल लगाएं या सूखा भी बेल सकते हैं। थोड़ा सा ऑयल लगा देती हूँ ताकि बिल्कुल चिपकने का डर ही नहीं रहेगा। इस पर एक लोहिया को इस तरफ रख के एकदम बेलन जो है हल्का सा चलाना है, ज़्यादा नहीं, बड़े ध्यान से इस तरह से बेल के तैयार कर लेंगे। मैंने बेल के तैयार कर लिया है, इसको इस तरह से रखेंगे। ऐसे ही दूसरी लोई भी उठाएंगे। दो कचौरी को बेल के तैयार कर लिया है, अभी इनको फ्राई करके देखते हैं। बाकी ऐसे ही फ्राई करते जाएंगे और बेलते जाएंगे। गैस पे ऑयल मैंने चढ़ा दिया और गैस को ऑन कर दिया। ऑन करते ही ऑयल में इसको डाल देंगे, नहीं तो क्या है इसमें बबल्स आ जाएंगे, और बबल्स नहीं लाना है इसके लिए। बना के इस तरह से बस दो ही, बहुत सारा तेल डालेंगे तो बहुत सारे एक साथ निकलेंगे, लेकिन ऐसे ही इनको आराम से देखिए धीरे धीरे इसमें से निकलेगा तो कचौड़ियों पे बबल्स नहीं आएंगे। थोड़ा स्लोली करना पड़ता है लेकिन काम भी अच्छा होता है। तो इसको गर्मा गर्म बनाइए और मुझे बताइए मेरी ये रेसिपी आपको कैसी लगी। लाइक और कमेंट करके बताएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना। थैंक यू, धन्यवाद सर, बाय।